देश में आम चुनाव का दौर है, पर इसी बीच एक खबर ने सबको चौंका दिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। क्यों निकले हैं, खुद उनकी जुबानी सुनिए। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूँ और आज आपसे मन की बात करने आया हूँ। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी हैं वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण, जैसे हमने देखा है पिछले दिनों, सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे? अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी, और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है, मुझे इतना प्यार मिला है। मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ, और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। चुनावों को लेकर दोस्तों, मैं उत्साहित तो हूँ, लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। जैसे आप सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है, वैसे मुझे और भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं, वहाँ पे कार्य कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं। तो मुझे आप सबसे तन, मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी, मन की भी पड़ेगी। तो आप तन, मन, धन से मेरा सहयोग कीजिएगा, और वाराणसी में जो भी मेरा सहयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि श्याम रंगीला को सपोर्ट करें, तो वो किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी निसंकोच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बाकी के अपडेट भी आपको देता रहूँगा कि मैं कब वाराणसी आऊँगा, बाकी चीज़ें मुझे पता चलेगी तो मैं बताऊँगा कब मैं नामांकन दाखिल करूँगा। तो आप सबके सहयोग की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे और चीज़ें साझा करूँगा। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। वाराणसी से कांग्रेस ने अजय राय को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने सैयद नियाज अली को मैदान में उतारा है। पहले से ही मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनावी रण में ताल ठोकने की वजह अब और भी मशहूरता बटोर रहे हैं। श्याम रंगीला पीएम मोदी जैसी आवाज में बात करने के चलते काफी मशहूर हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। हालांकि कम ही लोग श्याम रंगीला की असल जिंदगी के बारे में जानते होंगे, तो आइए जानते हैं कि कौन है श्याम रंगीला। श्याम रंगीला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील के मान कथेरी गांव के रहने वाले हैं। श्याम रंगीला का असली नाम श्याम सुंदर है और उनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ था। श्याम रंगीला स्कूल कॉलेज के दिनों से ही कॉमेडी किया करते थे और लोगों की मिमिक्री करने में उन्हें महारत हासिल है। इसी काबिलियत की वजह से श्याम रंगीला द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज टीवी शो तक पहुँचे और इसी शो से वो देश के घर घर में पहचाने गए। टीवी के बाद श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया के जरिए कॉमेडी और मिमिक्री जारी रखी। खासकर पीएम मोदी की मिमिक्री करने के चलते श्याम रंगीला खूब मशहूर हुए। श्याम रंगीला 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही श्याम रंगीला ने स्वतंत्र रूप से काम करने की बात कहकर पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन अब श्याम रंगीला एक और नई राजनीतिक पारी खेलने के मूड में है। पीएम मोदी की मिमिक्री करने के चलते श्याम रंगीला कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं। साल 2021 में श्याम रंगीला ने एक पेट्रोल पंप पर पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में श्याम रंगीला ने देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर तंज कसा था। इस वीडियो पर खूब विवाद हुआ था। बीते साल पीएम मोदी जंगल सफारी पर गए थे। इसके बाद श्याम रंगीला ने भी जयपुर के झालना के जंगल में पीएम मोदी की नकल करते हुए वीडियो बनाया था।
इस वीडियो में श्याम रंगीला ने पीएम मोदी की नकल करते हुए एक नील गाय को चारा खिलाया जो कि रिजर्व के नियमों के खिलाफ था। इस मामले पर खूब विवाद हुआ और आखिरकार श्याम रंगीला को माफी मांगनी पड़ी थी। अब जब वो पीएम मोदी के सामने चुनावी रण में आ खड़े हुए हैं तो इस बार माफी की तो कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है, बस मसला हारने या जीतने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।